अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भजिया दही कढ़ी। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले हम मिक्सर के जार में 1/2 किलो दही डालेंगे। दही में मैं डालूंगी 3 स्पून चने का आटा। पाव चम्मच हल्दी पाउडर। अभी इसको मैं मिक्सर में पीस लूंगी। पीसी हुई दही को मैं एक टोप में डालूंगी। अभी इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूंगी। देखिए ये ऐसे ही पतला होता है, ये पकने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। हमें ऐसे ही पतला चाहिए। अभी हम कढ़ी बघार लेंगे। गैस पे मैंने डेगची रख दी हूँ, इसमें डालूंगी तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालूंगी 1 चम्मच राई जीरा, थोड़ी कड़ी पत्ता, 4 सूखी मिर्च, 2 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कली को मैंने बारीक बारीक काटी हूँ वो डालूंगी, 1/2 बारीक कटा हुआ प्याज। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। अभी इसको हम लाल होने तक के पकाएंगे। प्याज लहसुन लाल होने के बाद में मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी हम इसमें पिसी हुई दही और बेसन को डाल देंगे। अभी इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। अभी इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। अभी हम इसको 2 उबाल आने तक के पकाएंगे। देखिए कढ़ी में 2 उबाल आ चुके हैं और कढ़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है। हमें ऐसे ही चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। कढ़ी पक चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और भजिए की तैयारी करेंगे। भजिए के लिए मैंने 3 प्याज को बारीक काट के ले ली हूँ। इसमें डालूंगी 1 वाटी चने का आटा, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, 1 चुटकी खाने का सोडा, बारीक कटी हुई कोथमीर, नमक स्वाद के हिसाब से, थोड़ा सा पानी डालकर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसे तल लेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गरम करने के लिए रख दी थी। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें भजिए तलेंगे। भजिए हमें छोटी छोटी साइज की तलना है क्योंकि कढ़ी में जाकर ये फूट जाएंगे। भजिए को हमें चारों तरफ से लाल करके पकाना है। देखिए भजिए चारों तरफ से लाल हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल कर डायरेक्ट कढ़ी में डालेंगे। माशाल्लाह भजिया दही कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना भजिया दही कढ़ी कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।